दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है। दोस्तों होता ये है कि हम जो है अपने लिए एक नया लैपटॉप या फिर एक नया सीपीयू लेते हैं या कंप्यूटर बिल्ड कराते हैं, इसके बाद उसे 6 महीने साल भर तक भूल ही जाते हैं कि उसमें भी गंदगी आ जाती है, वो भी गंदा हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो चलने चाहिए 4 साल या 5 साल वो चलता कितना है 2 साल 2.5 साल या फिर 3 साल। तो यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं किस तरह से आप अपने सीपीयू को साफ सुथरा रख सकते हैं जिससे उसकी लाइफ काफी ज्यादा चले और आपको जो प्रोसेसिंग करें, आप जो काम करें वो काफी अच्छे और काफी स्पीड से आपको मिले। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे आप जो है इसको बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं बिना कुछ भी प्रोडक्ट निकाले। जो इसमें पार्ट लगे हुए हैं उसको टच ही नहीं करना है, उसको निकालना ही नहीं है। कुछ ऐसे हमारे पास हथियार हैं जिसके जरिए हम जो है इसमें बसी जो गंदगी है उसे हम साफ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश अग्रवाल, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सगल। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में ये वीडियो कट भी हो जाएगा और बीच बीच में फॉरवर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो हथियार है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है जी हाँ, जिससे आप अपने दांतों की सफाई करते हैं ये। इसके बाद ये कॉलिन टाइप का है, जी हाँ ये कॉलिन टाइप का है, आप जो कॉलिन भी मार्केट से ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को साफ करने के लिए, डस्ट को साफ करने के लिए है। ये है हमारे पास। और एक सबसे बड़ा हथियार, जी हाँ, एक कपड़ा लीजिएगा जिससे आप जो है पोंछ सकें। इसके बाद एक और है, ये रहना जरूरी है आपके पास ये चीज। ये देखिए एक छोटा सा ब्रश है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कंप्यूटर यानी सीपीयू में छोटे छोटे जो निब होते हैं उनको आप इससे साफ कर सकते हैं। और एक और हथियार है हमारे पास जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ये ब्रश, इससे भी आप सफाई कर सकते हैं। ये ब्रश हमारा एकदम नया है, हमारे यहाँ पेंट के लिए आया था लेकिन इससे नहीं यूज हुआ। और ये है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको लाइट मतलब कि उसमें चमक ला देता है डिस्प्ले वगैरह में। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है लेकिन यहाँ डिस्प्ले है, इसको हम जो है साफ करेंगे। बस इतने ही प्रोडक्ट आपको चाहिए जिससे आपका जो सीपीयू है, आपका जो लैपटॉप है, उसकी लाइफ आप जो है 1.5 साल 1.5 साल बढ़ा सकते हैं और आप जो है स्मूथली काम कर सकते हैं। जो काम आप नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप नया सीपीयू लेके 5 मिनट में करते हैं, वही काम आप 2.5 3 साल 4 साल तक उसी स्पीड से कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम जो है इसे सफाई करते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू है अगर आपके पास, तो यहाँ देखिए हमने सारी जो इसमें वायर लगे हैं सभी वायर हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो है लेंस को जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सीपीयू पे हमारा चला गया पूरा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये खोलने के लिए होता है। अगर ये देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट है, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट नहीं है तब भी यहाँ पे एक होता है जो कि खोलने के लिए होता है। इसे खोल सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं माइक नहीं लगाया हूँ, ठीक है, तो इसे आप आसानी से खोल सकते हैं। देखिए ये खुल गया, ठीक है, ये खुल गया, हटा दीजिए। इसमें भी देखेंगे काफी ज्यादा गंदगी है, ये देखिए काफी ज्यादा गंदगी है, ठीक है। इसको हम जो है एक बार साफ कर चुके हैं, फिर प्लान आया कि चलिए वीडियो भी बना देते हैं। तो गंदगी देखना है, ये देखिए डस्ट, देखिए यहाँ देखिए कितना ज्यादा डस्ट है, और इधर देखिए इसमें तो डस्ट का पहाड़ जमा हुआ है, देखिए डस्ट ही डस्ट। कुछ दिन पहले मैंने इसे साफ किया था तो इतना ज्यादा भरमार इसमें डस्ट की थी कि मेरा हालत खराब हो गया। फिलहाल मैं इसमें नहा धो चुका हूं, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए कैसे साफ करना है, ये 15 दिन का डस्ट है, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में इतना डस्ट आ चुका है। अब जो है इसको हम साफ करेंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरह से है। दोस्तों आप भी अगर कुछ इस तरह से लेंगे तो ये कहीं कहीं किसी किसी में ये आगे निकल जाता है, तो ध्यान से इसको भी आप जो है निकाल सकते हैं। ये देखिए
मेरा तो ये निकल चुका। और अगर आपको इसमें ज्यादा डस्ट दिखे इसे आप जो है पानी में डाल के धो दीजिएगा, अगर आपके पास सीपीयू है और ये निकल जा रहा है तो इसे आप धो के सुखवा के फिर से आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐड ना हो तभी धोइएगा, नहीं तो मत धोइएगा पानी से। इसके बाद इधर देखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे फैन मुझे देखने को लग रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ताकि हमारा सीपीयू साफ साफ दिख सके। ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें फैन लगे हैं और ये देखिए वायर, इसे हम जो है पानी से कुछ नहीं करेंगे हम जो है। ये देखिए इसमें कम डस्ट लगा हुआ है, अब हम जो है इसको इतना हमारा देखिए हो चुका है। अब जो है हम चाहते हैं तो रैम तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, रैम को अलग कर दीजिएगा ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं चाहते हैं अलग करना तो मत करिए, कोई बात नहीं है, आपके पास ये हथियार तो है, इसे खड़ा 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 साफ कर दीजिए। तो चलिए खड़ा 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 साफ करते हैं। जहां तक हो सके इससे भी आप पोंछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब इसको आप लगाते हैं तो इसमें जो नीब होती है, ये जो नीब होती है वो टूटने का डर होता है। ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ढेर सारी नीब, चलिए हम आपको जूम करके दिखाते देते हैं। ये देखिए और सीपीयू और पास कर देते हैं, ये देखिए नीचे यहाँ पे नीब से मतलब है जहां पे ये वायर कनेक्ट होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं। और अगर आप जो है किसी कपड़े वगैरह से करते हैं तो उसके टूटने या फिर डैमेज होने का खतरा बना रहता है, तो इस वजह से आप जो है जो जहां पे नीब वगैरह नहीं है हल्के हल्के से आप जो है कपड़े से उसे पोंछ दीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो है पीछे का भी निकाल सकते हैं, पीछे का भी आप जो है हटा दीजिए। वहां पे जो मेरा ये सीपीयू है जो कैबिनेट है इसमें जो कनेक्शन है जो वायर कनेक्शन है वो पीछे के साइड है, सारे वायर यहाँ पे पीछे पे हैं। चलिए हम जो है पीछे करके आपको दिखा देते हैं, तो ये पीछे वाला हाँ ये देखिए यहाँ पे भी डस्ट है, तो ये रहा। और देखेंगे पीछे सारी की सारी वायरिंग है, उसी तरह से वायर का मैनेजमेंट किया गया है और यहाँ पे भी आपको डस्ट देखने को मिलेगा। इधर देखिए नीचे के साइड पे ये देखिए इतना सारा, देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इतना सारा धूल है यहाँ पे, ये देखिए कितना ज्यादा धूल निकला है, ये जम गया है धूल इतना ज्यादा। और इसी वजह से कंप्यूटर की जो इस मेरे सीपीयू की लाइफ है वो कम हो जाएगी अगर मैं इस साफ सफाई पे ध्यान ना दूं तो। जिस तरह से हम नहाते धोते हैं उस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को भी साफ सुथरा रखना चाहिए हमें, ताकि उनकी जो स्पीड है वो बनी रहे। तो वीडियो जो है बोलने वाला 7 मिनट तक हो गया है, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और साफ साफ कटाखट साफ करके हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम पॉज करते हैं और फिर थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ठीक है उसको हम साफ कर जाएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी पैक्ड नहीं है, मुझे कुछ काम था, टिकट बुक करना था ऑनलाइन तत्काल टिकट, जिस वजह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने पूरी हद तक साफ कर दिया है और अब जो है कुछ क्लीन लग रहा है, ये हमारा सीपीयू। तो आप भी इसी तरह से अपने सीपीयू को साफ सुथरा रखिए और वो भी हर महीने साफ करिए, एक डेट फिक्स कर लीजिए या फिर आप जो है जो मंथ का पहला संडे हो उस संडे को साफ करिए, ताकि आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कहिए तो सीपीयू है, इसकी लाइफ बढ़ सके। नहीं तो फिर ये जहां 5 साल चलने का होगा वहां 2-2.5 साल में ये जवाब देने लगेगा, या फिर जो आप हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से इसे असेंबल करिए, असेंबल करना जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से असेंबल कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम जो है जो भी पैकिंग इसका बचा हुआ है उसको कनेक्ट करेंगे, सारी वायरिंग निकाल के फिर से हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो भी इसमें पार्ट लगे हुए हैं उन सभी पार्ट को निकाल के फिर इसे साफ किया जाए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जो है देख लेंगे किस तरह से पार्ट निकलता है स्क्रू ड्राइवर वगैरह से खोल खाल के निकाल के फिर इसको साफ करेंगे, लेकिन वो अगले महीने होगा ताकि थोड़ा बहुत और गंदा हो जाए वीडियो बनाने लायक। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप में और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को सुना है, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो तक, दीजिए वंदे मातरम।